फ्रेंड्स, मैं सरस्वती टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप। आपने ब्लांच करके सूप तो बहुत बार बनाया होगा, उसको बॉईल किया होगा, उसकी स्किन हटाई होगी और फिर बनाया होगा, लेकिन आज आप देखेंगे कैसे हम रोस्टेड टोमेटो का सूप बनाएंगे। तो आप मेरे साथ मेरी रेसिपी में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप भी बना पाएं बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ हम जो टमाटर लेंगे सूप बनाने के लिए, वो हमें लेने हैं हाइब्रिड टमाटर। ये देसी टमाटर नहीं है, जो थोड़े लंबे आते हैं वो उस टाइप के टमाटर हैं। इसमें जो वाटर कंटेंट है वो भी कम होता है और ये कम खट्टे भी होते हैं। तो अगर आप इस टाइप के बॉम्बे वाले टमाटर लेंगे, इसको कई लोग बॉम्बे टमाटर बोलते हैं, कई लोग हाइब्रिड बोलते हैं, तो अगर आप ये वाले टमाटर लेंगे तो आपका सूप का जो कलर और टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको ये टमाटर नहीं मिलते हैं तो आप इसकी जगह देसी टमाटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप का वायर्ड रैक रखा है और मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इस पर मैं अपने टमाटरों को प्लेस कर दूंगी। तो हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे अपने टमाटरों को। यहाँ पे मैंने करीब 5 टमाटर लिए हैं, इनको हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम मीडियम रखूंगी और हमें इन टमाटरों को तब तक रोस्ट करना है जब तक ये अंदर तक अच्छे से पक ना जाए। तो आप इसको केयरफुली थोड़ा देखें, बहुत जल्दी इनकी स्किन भी हटने लगेगी और ये काफी जल्दी अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो आपको इनको लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको धीरे धीरे पलट पलट के अच्छे से कुक करना है। तो इससे होगा क्या, एक तो इसमें बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, जो हमें अक्सर रेस्टोरेंट में जब हम टोमेटो सूप ऑर्डर करते हैं तब हमें वो अच्छा सा अरोमा आता है तंदूरी वाला, तो एक तो वो आएगा और दूसरा हमें इसको थोड़ा टेडियस प्रोसेस हो जाता है जब हम इसको स्किन हटाते हैं, इसको ब्लांच करते हैं और फिर हम अगर टोमेटो सूप बनाते हैं तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो आज आप मेरी इस रेसिपी में देखेंगे कैसे हम इसको शॉर्टकट करके और बिल्कुल फ्लेवरफुल टोमेटो सूप बनाएंगे। 5 मिनट हुए हैं और हमारे टमाटर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सिक गए हैं और इनकी स्किन भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये अभी से पील हो रही है। इसको हम 5 मिनट और कुक करेंगे जिससे कि ये अंदर तक सौते हो जाएं और अच्छे से कुक हो जाएं। तो आप हमेशा सूप्स के लिए जब भी आप सूप बनाते हैं तो आप ओवर राइप टमाटर लीजिए जब बहुत ज़्यादा रेड होते हैं। अगर आप थोड़े पीलेपन पे टमाटर लेंगे तो आपका सूप खट्टा होगा और उसकी खटान को आपको बैलेंस करने के लिए चीनी ज़्यादा डालनी पड़ी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, छोटे छोटे बातें हैं तो अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी बना पाएंगे। इनको मैं 5 मिनट के लिए और अच्छे से रोस्ट करूंगी। और अक्सर हम देखते हैं टोमेटो सूप में हम ब्रेड क्रम्स डाल के उसको सर्व करते हैं या उसको एंजॉय करते हैं, बट आज मैं आपको एक डिफरेंट ट्विस्ट दिखाऊंगी जो आपको जरूर, मैं उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। वो सुपर हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है टोमेटो सूप के साथ। तो आप मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इस टाइम पे हम इसको बस 5 मिनट लगेंगे, इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी। बहुत ही इजीली इसकी स्किन जो है वो पील ऑफ हो रही है, आप देख सकते हैं। देखिए और अगर कहीं पे ब्लैक मार्क्स भी हैं स्किन पे तो वो इजीली उसके साथ हट जाएगी। आप टमाटरों को बिल्कुल भी वॉश मत करिएगा, मैंने वॉश टमाटर लिए थे तो इसको हम बस एक एक करके सभी टमाटर की स्किन को पील ऑफ कर लेंगे। और सर्दियों के मौसम में तो ये टमाटर बहुत ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है लेकिन आप आराम से इसको हैंडल कर पा रहे हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में गर्म चीज़ भी गर्म नहीं लगती है। बट अगर आप समर्स में बना रहे हैं तो थोड़े से केयरफुल रहिएगा और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने का वेट करिएगा। अगर आपने इन टमाटरों को पील ऑफ करने के बाद धोया तो फिर इनका इसमें तंदूरी जो फ्लेवर इसमें आएगा हमारे सूप में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
इस तरह से आप सूप बनाएंगे तो आप देखेंगे आगे मेरी इस रेसिपी में कि हमें इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, वरना पहले जैसे हम प्रीवियस जो तरीका है हमारा जो अभी तक हम सब बनाते आ रहे थे कि हम पहले उसको ब्लांच करते थे, फिर ठंडा करके उसको चॉप करके प्यूरी करते थे और फिर उसको हम स्ट्रेन करते थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसके बीज दिखते थे, वो स्मूथ टेक्सचर नहीं मिलता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें उस प्रोसेस से, अगर आपके टमाटर ज़्यादा बीज वाले नहीं हैं तो आप उससे बच सकते हैं और आपको सिर्फ एक ही बार इसको प्यूरी करके कुक करना होगा टमाटरों को। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप इस तरह से टमाटर का सूप बना के जरूर देखिएगा। आप देख सकते हैं हमारे सभी टमाटर अच्छे से स्किन पील ऑफ हो गई है और अब हम इनको ब्लेंडर जार में डाल के इनकी प्यूरी करेंगे। मैं इस तरह का ब्लेंडर जार ले रही हूँ और इसको आप चाहे तो चॉप कर सकते हैं या फिर आप होल ऐसे ही टमाटरों को डाल सकते हैं। तो मैं बस इनको हाफ में कट कर रही हूँ अपने ब्लेंडर जार में। अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर हैं ये टमाटर। मैं इसमें कोई बीटरूट, कोई कैरेट नहीं डालूंगी और इसमें मैं बस डाल रही हूँ हाफ इंच अदरक का टुकड़ा। तो इसको हम सबको साथ में ब्लेंड कर लेंगे और एक फाइन प्यूरी बना देंगे। हमारी ये प्यूरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार स्ट्रेन कर सकते हैं, बट दो चार ही बीज मुझे दिख रहे हैं तो मैं इसको स्ट्रेन नहीं करूंगी। और यहाँ पे मैंने रखा है एक कढ़ाई, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपनी जो हमने टमाटो प्यूरी बनाई है। तो बटर से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा, थोड़ा सॉल्टी सा टेक्सचर आएगा, फ्लेवर आएगा। तो बटर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस मिक्सर में हमने प्यूरी करी थी उसमें बस मैंने आधा कप पानी डाल के उसको भी वॉश कर लिया है और अब हम इसको 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना नमक, 1/2 टीस्पून शुगर। शुगर आपको देखनी पड़ेगी कि टमाटर कितने खट्टे हैं, उस हिसाब से आपको शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहते हैं शुगर, तो आप शुगर अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 पेपर कॉर्न्स, काली मिर्च, और इन सभी चीज़ों को हम 2-3 मिनट तक कुक करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, लेकिन अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जो हमने पानी इसमें ऐड किया था वो आप अवॉइड करें और दूसरा आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल करके इसको थोड़ा थिक कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं इसको थोड़ा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ, होटल स्टाइल सूप का हेल्दी वर्जन, तो ये नो कॉर्नफ्लोर नो मैदे वाला सूप है और इसमें हम ब्रेड क्रम्स की जगह भी एक डिफरेंट चीज़ डालेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पनीर। पनीर को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, तो थोड़ा सा च्यूई और थोड़ा फिलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स नहीं बल्कि पनीर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक ट्विस्ट है टोमेटो सूप में, आपने जनरली नहीं देखा होगा, बट मेरा यकीन मानिए ब्रेड क्रम्स से बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है ये। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेड हमारे पास अवेलेबल नहीं भी होती है घर पर, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं ब्रेड की जगह, तो दिस इज़ सुपर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी टू। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो हमारा ये सूप बिल्कुल रेडी है टू गो ऑन द सूप बाउल। आप फिनिश कर सकते हैं कोरिएंडर लीफ के साथ और इसमें आप डाल भी सकते हैं अमूल फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई। बट यहाँ मैं इसको बहुत ही सिंपल और फ्लेवरफुल रख रही हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट के साथ, कोई मिलावट नहीं। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस रेसिपी डू हिट अ लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नई और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।